माई चैनल आई एम सिमरन जहानी एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश राइटिंग स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटर ऑफ इंक्वायरी. ओके गाइस, तो जो लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है ये एक फॉर्मल लेटर होता है, यानी कि इसे हमें फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में एंड इन अ फॉर्मल टोन लिखना होता है. अब ये लेटर ऑफ इंक्वायरी क्यों लिखा जाता है, तो देखो लेटर ऑफ इंक्वायरी का पर्पस ये होता है कि जैसे कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी हो, ठीक है, या फिर आपको किसी कोर्स से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम उनको इंक्वायरी लेटर लिखते हैं. जैसे कि आपने जो है अपने घर के बाहर किसी बोर्ड पे या न्यूज़पेपर में किसी कोचिंग का ऐड देखा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखा, और आप सोच रहे हो कि अरे मैं क्लास 10th में हूँ, मुझे भी इंग्लिश की कोचिंग लेनी है, मैं यहाँ से ट्यूशन पढ़ लेता हूँ, मुझे मैथ्स की कोचिंग लेनी है, मैं यहाँ से ट्यूशन पढ़ लेता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, उनको इंक्वायरी लेटर लिख के भेजती हो कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ एंड मैंने आपका ऐड देखा इस न्यूज़पेपर में और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कोचिंग में पढ़ूँ. तो कोचिंग में पढ़ने के लिए पहले आप क्या जानना चाहते हो कि उसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है, और टाइमिंग क्या क्या है, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, टीचर्स कितने, ये सब इंक्वायरी लेनी चाहती है हमारे को. तो वही चीज़ हम इंक्वायरी लेटर के थ्रू पूछते हैं, ठीक है. तो यूजुअली इंक्वायरी लेटर बहुत सारे टाइप्स में लिखे जा सकते हैं, जैसे किसी सर्विस के बारे में जानकारी लेने के लिए, सर्विस में कोई कोर्स भी आ सकता है, कोई डांस, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, कोई भी कोर्स के लिए आपने किसी इंस्टीट्यूशन को जो है लेटर लिखा जानकारी लेने के लिए. किसी प्रोडक्ट के लिए भी आ सकता है, जैसे कि आपने किसी कंपनी को या किसी शोरूम को कहीं पर भी आपने जो है प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए क्या करा है, इंक्वायरी लेटर भेजा है कि आपने देखा कोई प्रोडक्ट यू वांटेड, तो आपने इंक्वायरी लेटर भेजा है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, अगर हम जो मंगवाना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को तो इसके कितने कलर हैं, कैसी वैरायटी है, क्या डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, ठीक है. तो एक इंक्वायरी लेटर प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है, एक किसी सर्विस के लिए जैसे कोर्स. एक और टाइप का इंक्वायरी लेटर होता है जिसमें हम गाइस जो यूजुअली ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज को लिखा जाता है, जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट में कई बार देखा होगा ट्रैवल एंड टूरिज्म का ना, काफ़ी बार हमारे को एडवर्टाइजमेंट दिखता है अखबारों के अंदर, उसमें लिखा होता है कि यहाँ का ट्रिप है, मनाली का ट्रिप, दिस नाइट, और जो भी कोई अलग डेस्टिनेशन, ठीक है. तो कई बार अगर जो है इसके लिए भी इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है कि आप जो है उनको लेटर लिख के पूछ रहे हो कि अच्छा ये जो आपने जो पैकेज निकाला है ट्रैवल एंड टूरिज्म जो भी कोई कंपनी है उसने, कि कितने डेज का स्टे है, प्राइस क्या है, कोई डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, एंड सो चीज़ें. तो इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है. अब समझ के आप इंक्वायरी लेटर क्यों लिखा जा रहा है, कि जो भी सर्विस आपको चाहिए उसके लिए आप इंक्वायर करना चाह रहे हो. तो अब हम देखते हैं इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट. ये इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट आप लर्न कर लो एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बताऊंगी एंड उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. तो इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट बहुत सिंपल शुरू होता है, स्टार्ट्स विद द सेंडर्स एड्रेस, ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप क्वेश्चन में से देख के लिखोगे, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप खुद लिखोगे, ठीक है. सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, ठीक है. डेट कौन सी लिखने का है, जिस दिन पे आप अपना एग्जाम दे रहे होगे उस दिन की डेट लिख देना, ठीक है, या फिर जिस दिन पे आप अपना लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट मेंशन कर देना. जैसे अगर मैं आज बोलूं 22 मार्च, ठीक है, तो मैं सिंपल अभी डेट यहां पे मेंशन कर रही हूं 22 मार्च 2022. आपका जिस दिन एग्जाम होगा आप उस दिन की डेट लिख देना, ठीक है. देन लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है एड्रेस ऑफ द रिसीपेंट, यानी कि रिसीवर एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस लिखना है. रिसीवर का एड्रेस कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपने इस इंस्टीट्यूट का, इस कोचिंग का जो साकेत में दिल्ली में A47 पे सिचुएटेड है, वहाँ पे कोचिंग का तुम्हें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. अगर गिवन है रिसीवर एड्रेस, जैसे मैंने अभी आपको एक फिक्स्चर्स बता दिया क्वेश्चन में से वाला, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से सोच के कोई भी एक एड्रेस लिख देना, ठीक है. देन लीव वन लाइन एंड देन आपको लिखना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है ये लाइन लर्न कर लो और ये डैश में जो कुछ भी आपको इंक्वायर करना होगा लिख देना. इंक्वायरी अब रिगार्डिंग, ठीक है, अबाउट भी लिख सकते हो, रिगार्डिंग मैं कह रही हूँ आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो. सब्जेक्ट इंक्वायरी रिगार्डिंग, रिगार्डिंग के आगे क्या लिख दोगे, अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, अगर जो है कोई मैथ्स कोचिंग है तो मैथ्स कोचिंग, एनीथिंग, जो भी आपको टॉपिक जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिख देना, ठीक है. या फिर डांस क्लासेस है तो इंक्वायरी रिगार्डिंग डांस क्लासेस, इंक्वायरी रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. देन आएगा हमारा सैल्यूटेशन, सर या फिर मैडम, आप डियर सर डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. देन लीव वन लाइन एंड देन आती है गाइस हमारी क्या, हमारी बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है. तो पहला होता है ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ होता है. इस सेकंड पैराग्राफ में गाइज मैंने यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए दोनों का बता दिया है, यानी कि अगर किसी कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि कोई कोचिंग क्लास है, कोई डांस क्लास है, तो आप क्या चीज़ें मेंशन करोगे, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस का आता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए आ जाए, तो आप क्या मेंशन कर सकते हो, दोनों ही मैं आपको बताऊंगी. एंड देन होता है हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ, और कुछ एडिशनल लाइंस भी हमें ऐड करनी होती है, वो भी आई विल टेल यू. पैराग्राफ की ओपनिंग कैसे होती है, यूजुअली इंक्वायरी लेटर हम कब लिखते हैं, जब हमने न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखा
लिखा होता है और उस कोर्स के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, उस क्लासेस के लिए हम उनसे इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो हम हमेशा स्टार्टिंग कैसे कर देते हैं, दिस इज विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट, विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट इन सो एंड सो न्यूज़पेपर, वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अगर बाई चांस न्यूज़पेपर कहीं पर फिट नहीं बैठता तो भी बताऊँगी कि आप क्या लाइन मेंशन कर सकते हो। तो यूजुअली एग्जाम में न्यूज़पेपर वाला केस ही आपको आता है कि आपने किसी कोचिंग क्लास के बारे में, किसी डांस क्लास के बारे में, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उनका कोई आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया न्यूज़पेपर में, अब आप जानना चाह रहे हो उनके पैकेज के बारे में, तो उनको इंक्वायरी लेटर लिखो। तो कैसे स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इंसर्टेड इन द डैश। डैश में आप क्या लिखोगे, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में से देख के लिखोगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो खुद से बना के लिखोगे। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ आपको क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम गिवन नहीं है, तो अपने आप से आप लिख सकते हो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी कोई न्यूज़पेपर का नाम आप लिखना चाहते हो, ठीक है। तो हमने लिख दिया दिस इज इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इंसर्टेड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप चाहो तो इंसर्टेड नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट लिख सकते हो दिस इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आगे आपको डेट लिखनी होगी कि किस डेट पे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था। तो ऑब्वियसली गाइस वो डेट कौन सी होगी, जिस दिन पे आप लेटर लिख रहे हो उससे पहले की। जैसे आज मैंने लेटर लिखा, आज 22 मार्च है, तो मुझे 22 मार्च से पहले की डेट डालनी होगी। सोचो एक बारी, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने फिर सोच विचार करा होगा कि चलो भाई मैं इनसे इंक्वायरी लेटर लिख के पूछता हूँ, तो एटलीस्ट एक दो दिन पहले की डेट हम लिखेंगे कि हमने इस दिन पे एडवर्टाइजमेंट देखा था और आज हम आपको लेटर लिखना, तो पहले की डेट लिखनी है। तो आज 22 मार्च है तो मैं 22 मार्च से पहले की डेट लिखूंगी। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 15 मार्च 2022। आपका जिस डेट पे एग्जाम होगा, आपने ऊपर एग्जाम वाली डेट मेंशन करी, उससे 5-6 दिन पहले की डेट डाल देना, ठीक है, उससे पुरानी डेट। तो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इंसर्टेड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 15 मार्च 2022 अबाउट। अब अबाउट में क्या लिखेंगे, अबाउट में जिस भी बात के बारे में हम इंक्वायर करना चाहें, अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लिख देंगे, डांस क्लास है तो डांस क्लास, कंप्यूटर क्लासेस है कंप्यूटर क्लासेस, कोई प्रोडक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो वो जो भी आपको टॉपिक गिवन होगा ना क्वेश्चन में, किसी सर्विस का, कोर्स का, प्रोडक्ट का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको डैश में फिल इन द ब्लैंक कर देना है। तो मैं यहाँ टॉपिक दे रही हूँ, अपना क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन में पढ़ना कि किसके बारे में इंक्वायरी करनी है, सेम टू सेम लाइन वहाँ कॉपी कर देना, ठीक है। आगे आप लिखोगे आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, कि आपकी इस कोर्स के लिए मुझे, आपके इस प्रोडक्ट के लिए मुझे कुछ इंक्वायरीज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये दिस इज इन रिस्पॉन्स वाली लाइन नहीं लिखनी, तो आप एक लाइन और है जो आप लिख सकते हो, वो क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ विद रेफरेंस, ठीक है, टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, फिर सेम होगा न्यूज़पेपर का नाम, डेटेड रिगार्डिंग और टॉपिक का नाम, ठीक है। इसमें आपने क्या लिख दिया, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 15 मार्च 2022 रिगार्डिंग द डांस क्लास आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, मुझे कुछ इंक्वायरीज लेनी है। यहाँ तक आपका जो है टास्क कंप्लीट हो गया, ये कॉमन लाइन हम सब ने लिखनी ही लिखनी है। अब इसके बाद गाइज, अगर आप इंक्वायरी ले रहे हो किसी से कि मुझे आपके यहाँ क्लासेस लेने आना है, मुझे आपसे प्रोडक्ट खरीदना है, तो एटलीस्ट आप उनको अपने बारे में भी तो कुछ बताओ कि आप कौन हो। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक लाइन का हम अपने बारे में भी दे देते हैं। जैसे अगर किसी कोचिंग क्लास का है ना कि आप कोचिंग लेनी, आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है, तो आप सिंपल जो है, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट, तो आप ये लिख सकते हो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम करेंटली इन क्लास 10th एंड आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फॉर बेटर इंग्लिश स्पीकिंग, या फिर आई एम करेंटली इन क्लास 10 एंड आई विश टू लर्न डांसिंग, कुछ भी जो है सिंपल सी आप ब्रीफ अपने बारे में लाइन लिख सकते हो, जो अभी मैं आपको एग्जाम्पल पैराग्राफ में, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें आपको सिखा दूंगी। देन आता है गाइज हमारा सेकेंड पैराग्राफ, इसमें हमें जो है डिटेल्स मांगनी होती है। डिटेल्स में अगर किसी कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आपको सबसे पहले डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछनी होती है, कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग, कि किस दिन पे आपका जो ये बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कितने समय का है, 1 महीने का बैच है, 2 महीने का रिवीजन बैच है, 3 महीने का है, जो भी है। फीस स्ट्रक्चर पैसे पूछोगे आप, कितनी फीस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बैच, ऐसा आप मेंशन कर सकते हो टू मेक योर लेटर लुक मोर, आप कह सकते हो इंप्रेशन अच्छा पड़े कि आप बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी जाना चाह रहे हो, कि कितने बच्चे पे कितने ध्यान जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, टीचर्स का भी पूछ सकते हो, हाउ मेनी टीचर्स विल बी देयर, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखोगे तो आपको जो है इंप्रेशन जो है अच्छा पड़ेगा आपके लेटर में। तो अगर किसी कोर्स से रिलेटेड आए तो डेफिनेटली मेंशन दीज लाइंस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब अगर किसी प्रोडक्ट और किसी सर्विस का आएगा तो आप क्या मेंशन करोगे, अगर किसी बारे में, हाँ मैं प्रोडक्ट पे मेंशन करी हूँ कि आपको आया कि आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी लेनी है, तो सबसे पहले आप प्राइस पूछोगे और अवेलेबिलिटी, कि आपके पास अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है, और सर्विसेज और डिस्काउंट, ठीक है।
अब अगर आ जाती है गाइस, अगर आपको किसी सर्विस के बारे में पूछना है या फिर आप किसी जैसे किसी ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले ऐड देख के लिख रहे हो कि हमें आपसे का ये पैकेज लेना है, तो तब आप डिटेल्स पूछोगे इवेंट की कि कितने डेज का स्टे है, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन रुकेंगे वहाँ पे, क्या क्या जो है डिनर इंक्लूडेड है या नहीं है, ब्रेकफास्ट है या नहीं, इस टाइप की इंक्वायरीज, ठीक है, पैकेजेस अवेलेबल, प्राइजेज एंड ऑल दैट और डिस्काउंट एंड ऑल दैट. तो गाइज ये प्रोडक्ट एंड सर्विस का बारे में होगा. अब बात करते हैं गाइज हम लास्ट पैराग्राफ की अपनी. तो लास्ट पैराग्राफ में सिंपल हम जो है कह देते हैं दैट जो भी इंक्वायरी हमने मांगी आपसे वो हमें जल्दी से जल्दी आप बता दें, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे काइंडली सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट, यानी कि जल्दी से जल्दी, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, जल्दी से जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें रिप्लाई करो. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और जो नेम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो ठीक है, वरना खुद से बना के लिख देना. तो फॉर्मेट देख लिया, सेंडर डेट लीव अ लाइन, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, रिसीवर एड्रेस लीव अ लाइन, सब्जेक्ट इंक्वायरी रिगार्डिंग जो टॉपिक में गिवन है, सर मैडम दिस इज इन रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट इंसर्टेड इन द डैश डेटेड डैश अबाउट डैश, ठीक है. आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, अब डैश 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 में पहले न्यूज़पेपर का नाम, फिर डेट, फिर टॉपिक, ठीक है. अगर किसी कोर्स को, यूजली कोर्स का एग्जाम्पल जो है हमें ज़्यादा 10th क्लास स्टूडेंट्स गिवन है, तो अगर आपको किसी कोर्स का इंस्टीट्यूशन का है तो उसमें कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, ड्यूरेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्टूडेंट्स कितने हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट का प्राइस, अवेलेबिलिटी, डिस्काउंट और भी दो तीन बातें ऐड कर सकते हो आप खुद से. किसी इवेंट का है तो पैकेज कैसा है और डिस्काउंट है या नहीं है और सारी डिटेल्स इवेंट्स की. और लास्ट में हम सिंपल लाइन मेंशन कर सकते हैं, काइंडली सेंड मी द इन्फॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, नेम, ठीक है. अब गाइस हम एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमें हेल्प हो एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो यहाँ मैंने क्वेश्चन गिवन है, आप रीड करो. यू आर आर्या अर्जुन, अगर आप गर्ल्स हो तो आप आर्या हो, अगर आप बॉय हो तो आप अर्जुन हो, ऑफ 22 गांधीनगर न्यू दिल्ली. तो आपका एड्रेस क्या है, सेंडर्स एड्रेस क्या है, 22 गांधीनगर न्यू दिल्ली, ठीक है. यू सॉ एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट अ कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया By SR International Institute, 83 सदर न्यू दिल्ली. तो आप समझ गए, यहाँ देखो ये क्वेश्चन में हमें सब गिवन है कि आप आर्या अर्जुन हो, आपका सेंडर्स एड्रेस क्या हो गया, ये हो गया गाइस सेंडर्स एड्रेस, ठीक है. यू सॉ एन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखा हमने, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का देखा, ठीक है. तो यहाँ हमें टॉपिक भी पता चल गया, देन पब्लिश कहाँ हुआ है, न्यूज़पेपर का नाम भी पता चल गया, टाइम्स ऑफ इंडिया. अब रिसीवर एड्रेस किसने पब्लिश करा है, SR इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने, जो सदर बाजार न्यू दिल्ली में है. तो रिसीवर एड्रेस भी हमें पता चल गया. यू विश टू ज्वाइन द कोर्स, आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, राइट अ लेटर टू द एडवर्टाइजर इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स, ठीक है. तो बनाते हैं हम अपना इंक्वायरी लेटर, तो अभी टू गांधीनगर दिल्ली, बट गाइस यहाँ पे आप न्यू दिल्ली ही लिखना, मैंने यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दिल्ली नहीं लिखेंगे, न्यू दिल्ली लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में न्यू दिल्ली है, तो यहाँ न्यू मेंशन कर देना. 22 गांधीनगर न्यू दिल्ली, सेंडर एड्रेस आ गया, देन एक लाइन हमने छोड़ी और हमने डेट लिख दी. तो ये मैंने जब बनाई थी स्लाइड तो एक दिन 21 मार्च को बनाई थी, तो यहाँ मैंने 21 मार्च 2022 लिखा. आप जिस दिन एग्जाम दे रहे होगे गाइस उस दिन की डेट लाना, ठीक है. आपका एग्जाम 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल डालना आपका एग्जाम है, जिस भी डेट पे आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आप डाल देना. देन आएगा रिसीवर एड्रेस, जो रिसीवर एड्रेस क्या है हमारा, SR इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट 83 सदर न्यू दिल्ली, रिसीवर एड्रेस भी हो गया. देन आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा, इंक्वायरी रिगार्डिंग, और टॉपिक में से देख के लिख देंगे कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, बस. देन आएगा हमारा सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर, ओपनिंग पैराग्राफ. तो ये आ गया गाइज आपका ओपनिंग पैराग्राफ, सेम लिखेंगे हम, दिस इज विद reference to your advertisement in the Times of India of 10 March 2022 regarding a spoken English course. ठीक है, तो मैंने आपको कहा था आप regarding वाली line भी लिख सकते हो, this is with reference, तो ये एक third line आपको पता चल चुकी है, दो तो मैंने ऊपर बताई थी आपको, this is with response वाली, ये आपकी third हो चुकी है, that this is with reference to your advertisement in the Times of India of 10 March 2022 regarding a spoken English course. तो यहाँ पे क्या हुआ, this is with reference to your advertisement in the dash में newspaper का नाम, देन डेट, रिगार्डिंग के बाद यहाँ डैश में टॉपिक आपने लिखा. वैसे रीड करते हैं, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ 10 मार्च 2022 रिगार्डिंग द स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंडक्टेड बाय योर इंस्टीट्यूशन, जो आपका इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करता है, ठीक है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, तो मैंने आपको कहा था हम अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दे देंगे कि हम कौन है और हम क्यों ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं. तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया आई एम एन एंड आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स. तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स गाइस अपना सोचो आप कि क्यों ज्वाइन करना चाहोगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए. तो आपने लिख दिया दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड फॉरवर्ड मी द डिटेल्स ऑफ द कोर्स. तो ये एक न्यू लाइन है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, अप्रिशिएटेड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे डिटेल्स बता दो अपने कोर्स.
कि अगर आपको ये थोड़ी डिफिकल्ट लाइन नहीं लिखनी तो सिंपल लिख देना, एंड आई वुड लाइक टू मेक इंक्वायरीज रिगार्डिंग योर कोर्स, जो मैंने ऊपर आपको लाइन बताई थी, आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट योर कोर्स, आई वॉन्ट सर्टेन डिटेल्स अबाउट योर कोर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो. ठीक है, आपकी फर्स्ट पैरा. ठीक है, अब हमारे सेकंड पैराग्राफ में, तो सेकंड प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द फ्यू डिटेल्स. प्लीज मुझे कुछ डिटेल्स दे दो आप, जैसे कि ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, फीस ऑफ द कोर्स, टाइमिंग ऑफ द बैचेस अवेलेबल. ये बहुत जरूरी है, टाइम पता होगा किस समय आपके पास टाइम है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जाने के लिए. अब ये एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने ऐड करी, अगर किसी कोचिंग वाला आपको क्वेश्चन आता है या किसी कोचिंग पढ़ाई वाला अगर क्वेश्चन है ना कि इंग्लिश स्पीकिंग है या साइंस ट्यूशन है या सब कुछ, तो उसमें आप ये लाइन ऐड कर सकते हो रिगार्डिंग हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द नोट्स, कि हमें नोट्स मिलेंगे या नहीं पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे सॉफ्ट कॉपी में, या आपको नोट्स प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे या नहीं, और कोई डेमो क्लास है या नहीं, ये भी आप इंक्वायरी में डाल सकते हो इफ़ यू वांट कि आप अच्छी अच्छी लाइन्स ऐड करो. एंड आगे आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स. मेन फीस तो बहुत जरूर मेंशन करनी है. ठीक है, तो ये कुछ लाइंस है जो आप इस तरीके से लिख देना. एंड अब हमारा सेकंड पैरा भी कंप्लीट हो गया, अब लिखेंगे अब अपना थर्ड पैरा. अगर किसी क्लासेस का किसी कोर्स का आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते कि आप हमें अपना ब्रोशर भेज दो जिससे कि हम और डिटेल्स जान पाए, तो हम मेंशन कर देते काइंडली सेंड मी अ प्रोस्पेक्टस या फिर ब्रोशर एट द अबव एड्रेस, जो एड्रेस मैंने दिया है. आई शैल अप्रिशिएट एन अर्ली रिस्पॉन्स, ये लिख सकते हो कि मैं चाहता हूँ आप मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो सो दैट आई कैन डिसाइड अबाउट इनरोलिंग माई सेल्फ फॉर वन ऑफ देम, यानी कि सो दैट हम डिसाइड कर पाएं कि हम आपके कोर्स को ज्वाइन करें. ठीक है, विद दिस गाइज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा. थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सिंसियरली एनीथिंग, गर्ल्स हो तो आर्या, बॉयज हो तो अर्जुन. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. तो गाइज आप ये एक फॉर्मेट लर्न कर सकते हो, और कोई भी आपको लेटर आए रिलेटेड टू एनी इंस्टीट्यूशन से, आपको किसी स्पोकन लैंग्वेज कोर्स या किसी क्लासेस के लिए अगर इंक्वायर करना हो, तो डायरेक्ट आप इसी एग्जांपल के थ्रू जो है अपना हर क्वेश्चन. एक और मैं आपको केस बताती हूँ, बाय चांस अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें न्यूज़पेपर वाला मेंशन करना सही नहीं है, तो उसमें आप न्यूज़पेपर नहीं मेंशन करोगे, सीधा लिख दोगे आई वुड लाइक टू मेक इंक्वायरीज रिगार्डिंग, और ऊपर टॉपिक में से देख के, वैसे आप आगे का फॉर्मेट सेम रहेगा. तो विद दिस आई मीनिंग दिस वीडियो नाउ, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. एंड ऐसे ही मैंने ऑर्डर लेटर भी करा दिया है, बाकी क्लास 10th इंग्लिश का फुल सिलेबस गाइस मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया है, इंग्लिश लिटरेचर आल्सो एंड राइटिंग सेक्शन आल्सो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, क्लास 10 इंग्लिश टर्म 2, आप सभी वीडियोस को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, यू कैन गो एंड वॉच इट. एंड अगर आपको ये स्लाइड्स के नोट्स चाहिए, फॉर्मेट्स के नोट्स चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, आप क्लिक करना एंड यू कैन सी ऑल द फॉर्मेट्स एंड ऑल द नोट्स ऑफ क्लास 10 इंग्लिश एंड इवन एसएसटी आल्सो. सो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.